हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक के मेडल विजेताओं से मुलाकात की है। भारत ने इस साल पैरालंपिक्स में इतिहास रचते हुए सबसे ज्यादा 19 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। पैरालंपिक में जाने से पहले भी पीएम ने खिलाड़ियों से बात की थी। उसके बाद जब खिलाड़ियों ने पदक जीते तो पीएम ने न केवल सबको व्यक्तिगत तौर पर बधाई दी बल्कि उनसे टोक्यो में फोन पर बात भी की थी। और आज इन सभी खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने अपने आवास पर मुलाकात की है। इन खिलाड़ियों में नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी शामिल थे। हरियाणा के करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे और मिनी सचिवालय का घेराव करते रहेंगे। किसान कल रात भर मिनी सचिवालय के बाहर डटे रहे। किसानों और करनाल जिला प्रशासन के बीच बातचीत तो हुई लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि 28 अगस्त को लाठीचार्ज का ऑर्डर देने वाले IAS अधिकारी आयुष सिन्हा को सस्पेंड किया जाए, लेकिन प्रशासन का कहना है कि बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसानों के विरोध को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विस आज रात 12 बजे तक बंद रखने का फैसला किया है। करनाल में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। करनाल के लघु सचिवालय के सामने किसान धरने पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक वो ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। किसानों को मनाने के लिए प्रशासन और किसान संगठन के नेताओं के बीच में कई दौर की बातचीत हुई लेकिन वो बातचीत बेनतीजा रही। मुंबई में कोरोना ने 54 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 24 घंटे के अंदर 532 नए केस दर्ज हुए हैं। इससे पहले 15 जुलाई को 545 नए केस सामने आए थे। तीसरी लहर के खतरे के बावजूद प्रशासन की कोई कड़ाई बाजारों में नहीं दिख रही है। गणेश उत्सव की शुरुआत के एक दिन पहले बाजारों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार बनाने के साथ ही तालिबान ने अपना क्रूर एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया है। नई तालिबान सरकार ने विरोध प्रदर्शन पर शर्तें लगा दी हैं। शर्तें ये कि प्रदर्शन करने से पहले विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों को हर डिटेल बतानी होगी, सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी लेनी होगी और ये भी बताना होगा कि कौन सा नारा लगाया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के कम से कम 24 घंटे पहले न्याय मंत्रालय से उसकी इजाजत लेनी होगी। विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है उसका उद्देश्य बताना होगा। प्रदर्शन पर बैन के बीच अफगानिस्तान से विरोध प्रदर्शन की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। अफगानिस्तान के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी हैं। आतंक के खिलाफ हल्ला बोल पर काबू पाने के लिए काबुल में तालिबानियों ने हवाई फायरिंग की है। ये तालिबान के अत्याचार की बिल्कुल नई तस्वीरें हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।